हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कौर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंसेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट, दैट इज़ व्हाट अ एंटीना। तो जो इंसेक्ट होता है वो उसके जो हेड के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होता है, और ये जो एंटीना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट है वो तो पहले इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि वो एंटोमोलॉजी के अंडर हम डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो हमारे क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो हम उसका उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो फर्दर उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें हम आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एंटीना। उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द एंटीना स्ट्रक्चर, कि ये जो एंटीना है उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है, ये कैसे दिखता है, क्या क्या इसमें सेगमेंट्स होती हैं, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास है इंसेक्ट का एंटीना। ठीक है, तो ये है इंसेक्ट का एंटीना। तो जो इसकी जो बेसल सेगमेंट होती है, जो इसकी बेसल सेगमेंट होती है, ठीक है, ये जो इसकी बेसल सेगमेंट है, दिस इज नोन एज स्केप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव जो इसकी सेकेंड सेगमेंट है, ये जो इसकी सेकेंड सेगमेंट है, दिस इज नोन एज पेडिसल। इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। ठीक है, और जो बाकी की जो सेगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेलम, या फिर इसको हम फ्लैजेलो मियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मेन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना। मेनली जो एंटीना है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो इसकी सेगमेंट होती है वो बेसल सेगमेंट जो है वो है हमारे पास स्केप। देन वी हैव सेकेंड सेगमेंट, दैट इज पेडिसल। और जो इसकी थर्ड से लेकर जो बाकी वाली जो सेगमेंट्स होती हैं उसको हम कलेक्टिवली दे आर नोन एज फ्लैजेलम। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंड सेगमेंट होती है एंटीना की, जो मैंने आपको बताया कि उसको हम पेडिसल बोलते हैं, उसके ऊपर जॉनस्टन ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, जॉनस्टन ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो जॉनस्टन ऑर्गन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये है सेंस सेल्स। इसमें क्या होते हैं, सेंस सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉनस्टन ऑर्गन्स हैं, इससे जो आंट्स होती हैं ये क्या करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं। ये क्या करती हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऐसे ये जो पेडिसल है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। ठीक है, देन अनदर वी हैव, दिस इज द इंसेक्ट एंड दिस इज शोइंग दिस इज एंटीना। ठीक है, तो ऐसे जो इंसेक्ट की मॉडिफिकेशन हो सकती है एंटीना की, जैसे ये देखिए ये इसका एंटीना है। ठीक है, तो फर्दर हम इसकी जो फर्दर जो इसकी मॉडिफिकेशन की जो टाइप है वो हम अब डिस्कस करेंगे इसके डिटेल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है सिटेशियस। सिटेशियस क्या होता है, ब्रिसल लाइक होता है। जैसे हमारे कांटा होता है ना, वैसे ही ये स्टेशियस होता है, ब्रिसल लाइक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग की सेगमेंट है, ये देखो ये जो इसका बेसल सेगमेंट है वो क्या होएगा, एनलार्ज। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या होएगा, एनलार्ज। और जो इसकी फर्दर सेगमेंट्स हैं, जैसे ये देखिए जो सेकंड सेगमेंट है वो इससे कम है, उसकी जो चौड़ाई है। देन फर्दर जो सेगमेंट्स है उसकी और भी कम है, उसकी और भी कम है। तो ये क्या है, जैसे जैसे इसकी जो साइज है वो बेस टू एपेक्स तक जो इसकी सेगमेंट का साइज है वो कम होता जाता है, दैट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिटेसियस टाइप ऑफ एंटीना। तो ये किस में आता है, तो ये जो ड्रैगन फ्लाई के एंटीना होते हैं, जो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई के एंटीना है, दे आर वॉट, दे आर ऑफ सिटेशियस टाइप, दे आर ऑफ सिटेशियस टाइप इन केस ऑफ ड्रैगन फ्लाईज। देन वी हैव अनदर टाइप, दैट इज फिलीफॉर्म। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास है फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना। तो जो फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना होता है वो क्या होते हैं, वो थ्रेड लाइक होते हैं। जैसे धागा होता है ना, तो वो धागे जैसा होता है। धागा क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वो लार्ज हो देन उससे छोटा छोटा छोटा, ऐसा नहीं होता। वो यूनिफॉर्म ही होता है, जो उसकी थिकनेस है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्मली सेम रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेगमेंट्स होती हैं जो इसकी, वो क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं
और वो यूनिफॉर्मली इक्वल रहती हैं थ्रू आउट द एंटीना। ठीक है, तो इस टाइप के जो एंटीना है वो किस में देखे जाते हैं, वो होते हैं ग्रास ऑपर में। ग्रास ऑपर के जो एंटीना होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना होते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज मोनिलीफॉर्म। ठीक है, तो जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है मोनिलीफॉर्म। इसमें क्या होता है, जो एंटीना है वो बीड्स लाइक होते हैं, जैसे हमारे मोती होते हैं ना, तो उसके जैसे होते हैं ये एंटीना। ठीक है, इसलिए इसको बीडेड बीड लाइक एंटीना भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एंटीना है वो ऐसे ग्लोबुलर होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोबुलर। यू कैन सी ओवर हेयर कि ये यूनिफॉर्मली ये गोल 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 है टिल अप टू द एंड। ठीक है, इसमें क्या है, स्फेरिकली कंस्ट्रक्शन, स्फेरिकल होते हैं ये और ये ग्लोबुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो एंटीना है वो कौन से इंसेक्ट में मिलते हैं, वो मिलते हैं टर्माइट्स में। कहाँ मिलते हैं वो, टर्माइट्स में। ठीक है, देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज अरिस्टेट। वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज अरिस्टेट। अरिस्टेट क्या होता है, इसमें एक ब्रिसल होता है, ये जो एंटीना है इसमें फर्दर क्या होता है, एक ब्रिसल होता है। ये कैसे दिखता है, इसमें क्या होता है, ये देखो इसका, इसमें ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज स्केप। ठीक है, देन इसके बाद में ये पेडिसल है। ठीक है, और जो थर्ड सेगमेंट है, दिस इज थर्ड सेगमेंट दैट वी कॉल इज फ्लैजेलम। तो ये जो फ्लैजेलम होता है वहां पे एक ब्रिसल निकलती है, वहां पे एक क्या निकलती है, वो उसके ऊपर एक ब्रिसल निकलती है, दैट इज व्हाट नोन एज अरिस्टा। उसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टा। जो उसका फ्लैजेलम है वहां से एक ब्रिसल निकलता है एक साइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टा। तो इस टाइप के जो एंटीना है वो किस इंसेक्ट में होते हैं, वो होते हैं हमारे हाउस फ्लाइज में। ठीक है, तो ये हमारे हाउस फ्लाई का एंटीना है। ये देखिए, ये इसका यहाँ पे स्केप है, देन ये पेडिसल पोर्शन है, देन वी हैव दिस फ्लैजेलम, दिस इज फ्लैजेलम, और ये जो इसके ऊपर है, दिस इज अरिस्टा, दिस इज अरिस्टा। ठीक है, सो दिस अरिस्टेट काइंड ऑफ एंटीना दे आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाइज। देन वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन और द अनदर मॉडिफिकेशन दैट इज सीरेट टाइप। सीरेट टाइप मीन्स सॉ लाइक। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉ लाइक होते हैं। तो इस टाइप में एंटीना में क्या होता है कि ये होते हैं कि इसके एक साइड में ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होती है। ये देखिए, ये इसकी जो सेगमेंट है, एक साइड तो ये है प्लेन और दूसरी साइड में क्या है, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस है इसमें। क्या है इसमें, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो इस टाइप का जो एंटीना होते हैं इसको हम बोलते हैं सिरेट टाइप। तो ये जो सिरेट टाइप ऑफ एंटीना होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी पल्स बीटल में। वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पल्स बीटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज पल्स बीटल। और ये देखिए, ये इसके जो एंटीना है ये कैसे है, सिरेट टाइप, इसमें ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस बन रही हैं। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंटीना दैट इज लैमिलेट। लैमिलेट क्या है, एक प्लेट की तरह है, जैसे हमारी प्लेट होती है ना, उसकी तरह ये है लैमिलेट एंटीना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटीनल टिप इज एक्सपेंडेड लिटरली। ये देखो, ये एंटीना है, ठीक है, इसमें स्केप है, नीचे पहले ये स्केप है, देन इसमें पेडिसल है। ठीक है, देन वी हैव दिस इज फ्लैजेलम। ठीक है, तो ये जो फ्लैजेलम है, ठीक है, जो एंटीनल टिप है वो क्या है, लिटरली वो एक्सपेंडेड है, ये एक्सपेंडेड पोर्शन है इसका। ठीक है, ऑन वन साइड टू फॉर्म फ्लैट प्लेट्स। तो ये क्या कर रहा है, प्लेट्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एंटीना है वो प्रेजेंट होते हैं लैमेलिकॉर्न बीटल्स में। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, लैमेलिकॉर्न बीटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंटीना दैट इज स्टाइलेट। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ एंटीना दैट इज स्टाइलेट। तो ये जो स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो इसका स्केप पोर्शन है वो भी नॉर्मल, जो पेडिसल है वो भी नॉर्मल, लेकिन
जो इसका जो फ्लैजेलम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्टाइल लाइक प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये स्टाइल लाइक इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो पोस्ट पेडिसल अपेंडिज होती है यहाँ पे, ठीक है, और फर्दर इसमें स्टाइलस होता है। और ये दोनों मिलके, दिस स्टाइलस एंड दिस पोस्ट पेडिसल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लैजेलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्लैजेलम, ठीक है। तो ये इस टाइप के एंटीना होते हैं हमारी जो हॉर्स फ्लाइज होती हैं, जो हॉर्स फ्लाइज होती हैं उनमें देखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है स्केप, देन दिस इज पेडिसल, ठीक है, और ये फर्दर हमारे पास क्या है, स्टाइलेट। दिस पोर्शन इज व्हाट, स्टाइलेट, ठीक है। देन अनदर टाइप ऑफ एंटीना दैट इज पेक्टिनेट। अनदर टाइप ऑफ एंटीना पेक्टिनेट। पेक्टिनेट मीन्स कॉम्ब लाइक, जैसे हमारे बालों में कंघी करने के लिए हम कॉम्ब यूज करते हैं, ये उस टाइप के एंटीना होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एंटीना में क्या होता है, जो सेगमेंट्स हैं एक साइड में, तो ये नॉर्मल ऐसे ही होगा, प्लेन, ठीक है। और जो दूसरी साइड है उसमें क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस होते हैं। सो दीज आर दी लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस ऑन वन साइड। दीज आर दी लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस ऑन वन साइड। तो इस टाइप के एंटीना किसमें होते हैं, ये होते हैं हमारे सॉफ्टफ्लाइज में, देन क्लिक बीटल्स में, ठीक है। तो ये देखिए देयर, ये देखो, ये है सॉ लाइक लॉन्ग प्रोसेसेस। क्या है इसमें, लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस ऑन वन साइड ओनली, ठीक है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंटीना दैट इज बाईपेक्टिनेट। पेक्टिनेट का मतलब हमने किया था कि कॉम्ब लाइक, ठीक है, और जो बाईपेक्टिनेट मींस कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो दोनों साइड में होंगी। क्या होंगी, दोनों साइड में प्रोजेक्शन होंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डबल कॉम्ब लाइक बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, डबल कॉम्ब लाइक, ठीक है। जैसे हमारे कॉम्ब एक साइड में होता है ऐसे, ठीक है, डबल कॉम्ब लाइक मीन्स दोनों साइड में होगा ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये डबल कॉम्ब लाइक कैसे होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए सिल्क वॉर्म का एंटीना है, दिस इज सिल्क वॉर्म का एंटीना है। इसमें क्या है, ये दोनों साइड में प्रोजेक्शंस हैं। इसमें क्या है, दोनों साइड में प्रोजेक्शंस हैं, दैट्स वाई दिस इज डबल कॉम्ब लाइक, ओके। तो ये हमारा पाया जाता है सिल्क वॉर्म के एंटीना में। सिल्क वॉर्म जो इंसेक्ट होता है हमारा, दैट इज अ बेनिफिशियल इंसेक्ट, उसका जो एंटीना होता है दैट इज डबल कॉम्ब लाइक, ओके। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ एंटीना दैट इज प्लूमोस, ठीक है, दैट इज वॉट, प्लूमोस, ठीक है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कंफ्यूजिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, ये मेनली प्लूमोस और पाइलोज, ये दोनों मॉस्किटोज में प्रेजेंट होती हैं। तो ठीक है, इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कई बार, हम बोलते हैं कि कई बार ये हो जाता है कि हम बोल देते हैं जो प्लूमोज है वो फीमेल में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता है मेल मॉस्किटोज में, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये जो प्लूमोज एंटीना होता है, ये जो प्लूमोज एंटीना है उसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्शंस होती हैं बोथ साइड्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं बोथ साइड। और ये जो वर्ल होती है ये हेयर लाइक होती है। ये क्या होती है, हेयर लाइक होती है, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लूमोज एंटीना, दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल मॉस्किटोज। देन वी हैव अनदर टाइप दैट इज पाइलोज, ठीक है। तो पाइलोज क्या होता है, मेनली ये हेयर ही होता है इसमें, उसमें तो वर्ल होती है ना हेयर्स की, इसमें क्या था, ये ऑलरेडी ओवरऑल ही हेयर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटीना इज लेस फेदरी विद फ्यू हेयर्स। इसमें क्या है, लेस जो हेयर्स हैं वो कम होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फ्लैजेलोमियर्स। जो फ्लैजेलोमियर्स हैं उसके जंक्शन पे ऊपर जो हेयर्स हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फीमेल मॉस्किटोज में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फीमेल मॉस्किटो में, ठीक है। तो आपको इसमें कैसे आपने याद रखना है, जैसे प्लूमोज है, प्लूमोज, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी पाइलोज और प्लूमोज को कैसे याद रखें। तो आप ये सोच सकते हो कि जैसे मेल में मोज आएगा, ठीक है, जैसे एम से मेल, तो हम क्या करेंगे, मेल में क्या होता है, मेल मॉस्किटो जो होते हैं वो होते हैं प्लूमोज,
ठीक है, और जो उसका उल्टा होएगा वो किसमें प्रेजेंट होएगा, फीमेल मॉस्किटो में, ठीक है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंटीना, दैट इज क्लवेट, दैट इज क्लवेट। और ये जो क्लवेट है वो क्लब्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लब्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है, जो इसकी सेगमेंट है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। और लास्ट में क्या होएगा, ये एंडिंग इनटू राउंड कोन, ये एंड में क्या बनाएगी, राउंड कोन बनाएगी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंटीना दे आर प्रेजेंट इन ब्लिस्टर बीटल्स, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लिस्टर बीटल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है इसकी जो फर्स्ट सेगमेंट है वो शॉर्ट है, देन उसकी सेकंड सेगमेंट उससे बड़ी है, देन फर्दर ये इंक्रीज होता जाता है इसका साइज, और एंड में जाके ये क्या बनाती है, ये एक राउंड कोन बनाती है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्लिस्टर बीटल में, ठीक है। देन अनदर वी हैव कैपिटेट एंटीना, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है, जो क्लेवेट है और कैपिटेट एंटीना है। तो इसमें क्या होता है, जो टर्मिनल सेगमेंट एनलार्ज हो जाती है सडनली, ठीक है। वैसे तो ये यूनिफॉर्मली ऐसे चलती रहेगी, और जो एंड में जाके ये एनलार्ज हो जाएगी। अदरवाइज जो हमारे पास पहली टाइप थी, जो हमारे पास क्लेवेट था, उसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट है उसकी थिकनेस विद द सेगमेंट वो इंक्रीज होती है, और एंड में जाके वो राउंड कोन बनाती है। इसमें क्या है कि यूनिफॉर्मली ये सेम रहेगा, और एंड में जाके सडनली जो इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाती है। ये देखिए ये ऐसे तो सिंपल ऐसे आ रहा है, और एंड में जाके क्या हो गया, ये एनलार्ज हो गया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एंटीना दे आर मेनली प्रेजेंट इन बटरफ्लाइज, दे आर प्रेजेंट इन बटरफ्लाइज। किस में प्रेजेंट होते हैं, ये बटरफ्लाइज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंटीना, दैट इज जेनिकुलेट, ठीक है। तो फिर हमारे पास होते हैं जेनिकुलेट एंटीना। जेनिकुलेट एंटीना कैसे होते हैं, एल्बोर्ड, जैसे हमारी कूनी होती है ना, ऐसे वाले एंटीना होते हैं ये। मेनली हमारी कूनी को देखो और ये वाले एंटीना देखो, दे आर सेम, ठीक है। ये देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास है ये, पहले हमारे पास हो गया स्केप, देन वी हैव दिस पोर्शन इज पेडिसल, ठीक है, और देन वी हैव फ्लैजेलम, दिस इज फ्लैजेलम। तो ये क्या है, ये कूनी लाइक है, जैसे हमारी कूनी होती है वैसे ही है ये, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्केप इज लॉन्ग, रिमेनिंग सेगमेंट्स आर स्मॉल एंड आर अरेंज्ड एट एन एंगल टू द फर्स्ट रिजेंबलिंग एट एन एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि ये एनलार्ज्ड होता है, और ये जो एंटीना होते हैं ये वीवल्स में, आंट्स में, और जो हनी बीज है हमारी मेनली उसमें देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंट का एंटीना है, ठीक है, एंड दिस इज जेनिकुलेट टाइप, दिस इज एल्बो टाइप, और वी कैन से जेनिकुलेट टाइप। और जो हमारी हनी बीज है उनमें भी जेनिकुलेट टाइप एंटीना प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, ये थे हमारी एंटीना के टाइप्स। देन फर्दर हम इसके जो अदर मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक विंग्स हो गए, देन लेग्स की मॉडिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।